साहब इख्तामी कलिमात अदा करने वास्ते आसे ने लेकिन थोड़ी तालियां दी गूंज उन्हां दे आना तक वड्डी रासी सारे उठी ते इस्तकबाल करे सो इंतहाई मोहब्बत नाल। मेरे अजीज दोस्तों भेणियों भराओ सारे को पहले तो मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना तुहाडी मुहब्बत खलूस बार बार इतना छिक के गिना दिए तो इंशाल्लाह आइंदा भी ये महफल ये कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह थी दे रहा सन। मैं अपने मेहमान खसूसी नाजिम डिस्ट्रिक्ट नाजिम साहब का शुक्रिया अदा करना कि वह तशरीफ गिनेन। अलबत्त मेरा यह ख्याल है कि वह जिले के सरबराह की हैसियत एज ए होस्ट इतना मौजूद हो सन लेकिन सबको उन्होंने इंतजार करना पिए। मैं उम्मीद करना कि इस किस्म के सारे एक्टिविटीज़ सारे जो इलेक्टेड लोग हैं वो ओन करें ते उनको लीड करें। असा अपना टाइम गुजार चुके हैं अल्लाह का शुक्र है एक नौजवान क्यादत है डिस्ट्रिक्ट नाजिम की सूरत ते मैं उम्मीद रखना कि तुहारे जो प्रोग्राम्स हैं ये चीज़ें उन्हें उन्होंने रहनुमाई ते पूरी सपोर्ट हो सी। मैं को ये भी खुशी है कि जमशेद दस्ती साहब दोनों तशरीफ गिनेन सारे मेहमान इन सर अखियाँ थे एक बड़ी निडर लीडरशिप है जिहड़ी आवाज़ है सारी असेंबली गरीबों वास्ते ते पसमानदा इलाकों वास्ते तो उन्दे ते असा फख्र करते हैं ते मैं बड़ा मशहूर हाँ कि वह सारी कॉन्फ्रेंस तशरीफ गिनेन। नाल ही मैं साड़ी एक मुअज़्ज़ज़ सियासी शख्सियत मुरीद काजम साहब भी आए मेहमान ग्रामीण मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा करदा कि वह इन कॉन्फ्रेंस तशरीफ गिनेन हमेशा जो इन चीज़ों उन्होंने सपोर्ट रही है। तो गंदारा इनको बोर्ड के जेडे अहदेदार हैं बहु मसरूफियत डॉक्टर्स हैं उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस है नौकरी भी है उनके बावजूद देरा की मुहब्बत उन्होंने छिक गिना है। तो वह पिछली कॉन्फ्रेंस आए तो ई कॉन्फ्रेंस ही मौजूद हैं उन्होंने भी मैं शुक्रिया अदा करदा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है ये मेरा अपना वतन है मेरा अपना शहर है। मैं कोई इनकी आवण न सिर्फ खुशी थी बल्कि फख्र है क्योंकि इन गलियों मैं रिया इन स्कूलों टाटा मैं पढ़ा तो उन टीचर्स की मेहनत खलूस उन्दे नाल मैं एक रुतबे ते पहुँचा अपनी मेहनत ते लेकिन यह है कि मैं अपने जिले को भूल ना सकता न सिर्फ इन वजह को कि यह जिला मेरा बचपन गुजरे मेरा स्कूल का टाइम गुजरे उन्दे अलावा जो लोगों ने मोहब्बत जी शफकत हमेशा दिती है। मैं सर्विस के दौरान ही जब आना हम तो दिल खुश थींदा है जिहड़ी इत्थां जिहड़े ना माहौल है जिथां जिहड़े तरीके दे नाल तो वो जिहड़ी आदमी खिदमत कर सकदा है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो हम तो उन्दे वास्ते ही इत्थां असां फंक्शन भी किए पेशावर ही किए जिहड़े कि नगलैक्टेड होंदे हन। तो अल्लाह दा फजल है इस जिहड़ा सारा जिला है डेरा इन्दे बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तुसा देख सकते हो कि सारी खवातीन भी कितनी रिप्रेजेंटेशन है ये टैलेंट है ये शौक है इसी तरह मर्द हजरात जेड़े तशरीफ गिनेन तो ई शौक ई खलूस को देख के सारा दिल चाहता है कि गंदारा इनको बोर्ड इतना ज़्यादा को ज़्यादा फंक्शन करे। मैं को ये भी खुशी है कि सारी गुमल यूनिवर्सिटी की नौजवान बड़ी क्यादत आई हुई है जो सारा मुस्तकबिल है उन्हें जज्बा है वो खिदमत करना चाहते हैं तो अपने एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन्होंने मैं यकीन दिवाना चाहता कि इंशाल्लाह गंदारा इनको बोर्ड के तहत जेड़े वो फंक्शन अपनी यूनिवर्सिटी कर सन नौजवानों वास्ते ताकि असा अपनी जबान अपनी सकाफत अपना आर्ट वो जो रहना बिना कोई दिखा सकूँ तो वो उन्होंने मैं यकीन दिवाना कि इंशाल्लाह नेक्स्ट फंक्शन सारा एक यूनिवर्सिटी की हो सी तो जैसे सारा इंतजाम उन्होंने करना हो सी तो एक जड़ा है ना एक
एक इंशाल्लाह खवातीन वास्ते एक्सक्लूसिवली भी एक कॉन्फ्रेंस करे सूं जैंदिच के वो खुद इंदा इंतजाम भी कर सन उंदे जेड़े मकाले उंदे प्रोग्राम सारे एक्टिविटीज ते उंदी फंडिंग भी असा इंशाल्लाह कर सूं। अच्छा एक गंदारा हिंको बोर्ड की थोड़ी जी स्टोरी पढ़ी है, मैं अपने लफ्जा च आदा कि जल्द मैं पिशार पोस्टेड हम कमिश्नर बाद चीफ सैकटरी वगैरह तो वह मैं दिखे कि गंदारा इनको बोर्ड कुछ चंद ऐसे अशखास हैं जेडे के इतने खलूस के नाल 15-20 साल को अपनी जेबों पैसे खर्च करके ये इल्म अदब किताबा ये जड़े ने फन हुनर की खिदमत लगे हुए हैं, हालांकि अच्छे मसरूफ प्रोफेशनल लेकिन गवर्नमेंट की तरफों उन्होंने हार्डली 10% भी इमदाद नहीं, 90% अपनी कंट्रीब्यूशन कॉन्फ्रेंसा ही करेंगे फंक्शन ही करते हैं। उनके नाल मैं मुतासर थी तो कोशिश की थी कि सूबाई हुकूमत भी इंदी जो 5 लाख या 2 लाख इन्होंने जो फंक्शन वास्ते आदमी सेंक्शन करा सकता है। उनके बाद रिटायरमेंट के बाद 1908 के बाद इन्होंने मैं को आखा के चेयरमैन साहब वफात थी गए हैं, एक सारे बड़े आलिम प्रोफेसर हैं पेशावर के, ते तुसा इंदी जरे ना चेयरमैनशिप कबूल करो क्योंकि तुहाड़ा जरे ना इन नाल एक अटैचमेंट है। हालांकि मैं हूँ वाले इस्लामाबाद ही चम मैं उत्था इस्लामाबाद वफाकी मोहसिब के नाल सीनियर एडवाइजर के तौर पर रिटायरमेंट के बाद काम कर रहे हैं। उन्दी ची काम गरीबा का काम है, इट्स कॉल्ड पोअर मैनस कोर्ट के लोगों के जेरे मुश्किल हैं सुई गैस के बिल बिजली के बिल नादरा के पासपोर्ट के वह असा मसले हल करते हैं। तो मैं ई वजह को एक्सैप्ट किया कि इतना काम करने वाले पुरखलूस लोग हैं अपनी जेब खर्च करते हैं और सरकारी पैसे को गलत इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह के फजल नाल असू एक दो फंक्शन किए, गवर्नर साहब तशरीफ गिनाए, चीफ मिनिस्टर स्पीकर बाकी हजरात उन्हों को पता लगा कि ये काम ठीक चल रहा है। तो पहली दफ़ा उन्होंने फर्स्ट किस्त को 50 लाख दे दी कि तुम सारे एक्टिविटीज़ फंक्शन करो। उनके बाद असा एक प्रोजेक्ट दिता कि असा एक अकेडमी बनाना चाहते हैं जैसे कि ई सूबे दे सारी लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज हैं उनकी खिदमत उनकी हिंदको है सराइकी है चित्राली है गुवाहाटी है सारे लैंग्वेज जरा आर्ट ते लिटरेचर ते जरा सकाफत है उनकी तरवीज वास्ते वो अल्लाह के फजल नाल 7 करोड़ की स्कीम मंजूर की गई है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता ही हुकूमत को कि उन्होंने 7 करोड़ रिलीज भी कर दिता है। अच्छा वो अकेडमी इंशाल्लाह असा जरा किताबा रिसर्च तो ये जरा डिपार्टमेंट का तस्वर है इंशाल्लाह गुमल यूनिवर्सिटी के अलावा हरिपुर यूनिवर्सिटी के नाल भी गल चल रही है, वह भी डिपार्टमेंट खोल रहे हैं। तो एक जरा असा चाहते हैं कि सारी अपनी अकेडमी भी एक डिपार्टमेंट के तौर पर कि उन लोग एम फिल कर सकें एम ए कर सकें बी ए कर सकें जिमें कि पश्तो पंजाबी बाकी जबाना के जो मास्टर के प्रोग्राम हैं सारे बच्चे भी सरायकी हिंदको पढ़ के ते CSS ते PCS ते उन्हें अपना जरे ना जबान। अच्छा दूजा जरा एक अहम नुक्ता जरा ना जी वो सब कुछ रखना चाहिए है कि जी सारी जनरेशन आई वो उर्दू भी पढ़ी अंग्रेजी भी पढ़नी पी इम्तिहान ते सरकारी उनकी वजह को पश्तो भी सारे अक्सर लोग जानते हैं क्योंकि ये सूबे चलाते हैं वो सारे विरा हैं उन्होंने मिल के असा करना है। वो असा दिखा कि वक्त के नाल नाल सारी अपनी जी जबान है घर ही नहीं बोली वी हिंद को थी गई सराइकी थी गई वो लोग जरा फख्र महसूस करते हैं कि असा उर्दू तो अंग्रेजी बोलूँ। ये जी तहरीक है ये गंदारा हिंको बोर्ड वाली ते तुसा सारे खवातीन हजरात जो तशरीफ गिनाओ ये इंदी वजह को ले कि जिस तरह वो जबाना की असा कदर करते हैं अपनी जबान की भी ऊ लिहाज कदर ते उंदी जरे ना खिदमत सारे उत्ते लाजम है। तो इंशाल्लाह ये जरे ना
تحریک اس قسم دی ہے کہ ایندی چ اساں بنا زباناں دے خلاف کوئی ڈسکریمینیشن نہ کرن دے تساں دیکھ سو کہ ساری کتاباں وچ کچھ پشتو دی کتاباں اساں پبلش کیتے اردو دے کتاباں ہی پبلش کیتے تے چند ایک ساڈے اپنے جے صوبے دے لوگ ہیں انگریزی چ کوئی اگر اچھی ورتھ وائل ہے اساں انہاں دے دروازے نہیں بند کیتے لیکن نیچرلی ساری اپنی جڑی زبان ہے اوندے جتنے زیادہ کتاباں شاعری او علم و فن دی جڑے تھی سکتی ہے کنٹریبیوشن اون دی چا سا انشاءاللہ انکریج کر سو تو میری جڑے ہیں نا کالج دے یونیورسٹی دے نوجوان نال ہی وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تسا مل کے ڈاکٹر شاہد مسعود ان اسلم عوان ان مل کے کیونکہ یونٹی سٹرنگتھ ہے ڈیڑھ ان دی مسجد علیحدہ سنی بنانی مل کے لیکن یونیورسٹی جی کا علیحدہ ایکسکلوسو انشاءاللہ کانفرنس ہو سی ٹائم تے طریقہ کار تسا خود دسے سو ساکو اون لحاظ نال انشاءاللہ اسا فنڈنگ کر سوں تے ہک خواتین دے واسطے انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ او وی اسا ایک ایکسکلوسیولی انہاں واسطے کام کروں تے میں اچھا اساں جڑے نا ایں دے تحت ہزارہ اچ کانفرنس کیتی ہے جے کوہاٹ اچ کیتی ہے بے ضلع اچ سوات اچ پروگرام ہے انشاءاللہ ٹانک اچ ہے سارا پروگرام اے ہے کہ سارے کو نال گھن کے چلنا ہے پاکستان دی خوبصورتی ہے کہ اتھا مختلف اکائیاں ہیں انہاں اچ اپنی خوبصورتی ہے اپنی زبان دی چاشنی ہے آرٹ کلچر اگر ان سارے کو اساں اکٹھے ڈیولپ کرے سوں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو سی تو میں سمجھنا کہ سارا ملک بھی مضبوط سی سارا صوبہ بھی کامیاب ہو سی تے اساں جے رہنا کہہ دے خلاف نہ کوئی تعصب کوئی نہیں سارا جے رہنا پیغام جڑے سارے صوفیاں نے دتا ہے محبت ہے تے سارے کو گلے لاون دا تو میں تہاڈا دوبارہ شکریہ ادا کردا ای پروگرام کو آرگنائز کرن والے اسلم عوان صاحب تے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب دا بھی خصوصی جی شکریہ ادا کرنا کہ جڑے مہمان ہیں گرامی تشریف گنے ہیں تہاڈے سمیت تساں جڑے ہیں ٹائم کڈے چھٹی دے دی تشریف گنے ہو لیکن میں سمجھدا ہاں کہ اے ساری اپنی زبان تے ثقافت خدمت سارے تے قرض ہے ہر ایک دے تے قرض ہے چاہے سیاستدان ہے چاہے گورنمنٹ سرونٹ ہے چاہے عام آدمی ہے چاہے انٹلیکچوئل ہے تو میری درخواست تو سی کہ انشاءاللہ مل کے جڑے پروگرام ہو سن ای پروگرام دے نال کوئی سارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں میں کلیئر کر چھوڑا ساری عمر میں سیاسی طور تے گزاری ہے اللہ دے فضل نال کوئی پارٹی بازی کوئی نہیں کیتی ان وچ اے ہے کہ اساں اپنی زبان تے ثقافت دی ریوائیول انشاءاللہ کیونکہ ہن اتنی زیادہ کوئی مذہبی جنونیت ہے کوئی ایکسٹریمزم ہے کوئی سیاسی سارے جڑے نا آپت اختلافات اتنے تھی گئے ہیں کہ وہ جڑا اپنا سارا بھائی چارہ عزت وہ جڑے نا وہ چیز افیکٹ تھی ہے میں چاہنا کہ یہ جڑا سارا پلیٹفارم ہے ثقافت والا اپنی زبان والا جہدے کے مشاعرہ بھی ہے اندر علم و فن ہے اندر جڑے نا میوزک ہے یہ سارے چیزاں مل کے ایک کلچر بڑھے دیں ایک ثقافت بڑھے دیں ایک ملک بڑھے دیں اندر انشاءاللہ اساں بھرپور طریقے نال خدمت کرنی ہے مل کے خدمت کرنی ہے میں تارا بہت بہت مشکور ہاں تاری محبت دا تارے خلوص دا تارے جذبات دا اللہ حافظ